नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धर्मजीत स्वरूप है। आज हम लोकरिंग करना सीखेंगे और हम लोकरिंग का यूज इसलिए करते हैं, दो कपर पाइप को जोड़ने के लिए हम लोकरिंग का यूज करते हैं। पहले हम ग्रेजिंग करते थे, लेकिन अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, अब हम लोकरिंग का यूज करते हैं। 45 पे है। लोकरिंग अलग अलग तरह की होती है, तो ये हमारा जो लोकरिंग है अलग अलग साइज की लोकरिंग होती है। ये जो लोकरिंग है क्वार्टर की है और 316 की है, क्वार्टर की और ये 316 की। आज हम लोकरिंग करना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दानिश है। आज हम लोकरिंग करना सीखेंगे। 3x16 का ये दिखाएंगे, 1x4 का है। अब हम इसे ऐसे लगाएंगे इसमें और इसको ऐसे करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम दिखाएंगे कि हम लोकरिंग कैसे करते हैं। ये लॉकरिंग है, हम दो अलग अलग पाइप लेंगे या हम सेम भी ले सकते हैं। हम इसमें इंसर्ट करेंगे दोनों साइड से और देखेंगे हमारा प्रॉपर इंसर्ट है कि नहीं। कई बार ये रुक जाता है बीच में, जिस वजह से हमारे लीकेज हो सकते हैं, तो हम इसे प्रॉपर चेक करेंगे ये अंदर जा रहा है कि नहीं। हम इसमें एडिसिव डालेंगे और एडिसिव से लीकेज रुक जाएगी और ये अंदर जाके इसको सिलिकॉन लगा कर ले लेगा। पहले हम क्वार्टर पाइप को कॉपर पाइप को हम अच्छे से इंसर्ट करेंगे लोकरिंग के अंदर, वो मतलब बढ़िया से होना चाहिए अंदर इंसर्ट। और दूसरी साइड से हम 316 की कॉपर पाइप को लोकरिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये प्रॉपर अंदर तक जाना चाहिए, जो ये निशान है यहाँ पे बीच में, इसके यहाँ तक जाना चाहिए। आप यूँ भी देख सकते हो, इससे पता चल जाएगा कि हमारा पाइप अंदर तक जा रहा है। ये हमारा एडहेसिव लिक्विड है, यह काम लीकेज को रोकना होता है। ये अंदर रबर की फॉर्म में जाके जम जाएगा। अब ये बाउंड लगाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये तब नीचे टपक सकता है ये। अब हम साइड में जो कवर पाइप है उनको राउंड राउंड घुमाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर साइड से फैल जाए। ये हमारा लॉकरिंग टूल है जिससे हम इसे पिंच करेंगे। ये लॉकरिंग टूल है, इसको ऐसे करके और इसको प्रेस करेंगे। राइट हैंड ऐसे रहेगा, लेफ्ट हैंड चलाएंगे। दोस्तों ये हमारा लॉकरिंग टूल है, लॉकरिंग को हम पिंच करेंगे ताकि दोनों पाइप जुड़ जाए। लॉकरिंग टूल है जो ये राइट साइड है, ये हमारी फिक्स रहेगी, इसको मतलब हमें मूव नहीं करना है। राइट हैंड हमारी ये वाली मूव होगी लेफ्ट साइड, उसके पहले उसके लिए हम इस लॉक को दबाएंगे और उसको लीवर को खोलेंगे। इसको हम प्रॉपर तरीके से फिक्स करेंगे लॉकिंग के डाई में। अब हम लीवर को प्रेस करेंगे प्रॉपर फिक्स करना चाहिए, इसमें गैप नहीं होना है। और हमारा एक हाथ कांस्टेंट रहेगा और एक हाथ मूव करेगा। हमें इसका बीच का गैप देखना है कि प्रॉपर सेट बैठा है कि नहीं। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद संसाद है, आज हम लॉकरिंग करना सीखेंगे। ये हमारा लॉकरिंग है और ये हमारा 3x16 का पाइप है और हमारा ये 1x4 का पाइप है और इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे। पहले 1x4 का हम पाइप को इंसर्ट करेंगे और फिर 3x16 का इंसर्ट करेंगे।
अच्छे से इंसर्ट करने के बाद फिर हमारा लीकेज बंद हो जाए। फिर इसको अच्छे से घुमाएंगे जिससे चार तरफ मिक्स हो जाए। ये हमारा लॉकिंग टूल है और इसको हम इससे राइट हैंड को ऐसे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को इससे पकड़ के इसको खोलेंगे और फिर इसको इसका हम अच्छे से सेट करेंगे। फिर सेट करने के बाद ये राइट हैंड ऐसे रहेगा, हमारा लेफ्ट हैंड घुमाएंगे। और टेस्ट करते टाइम देखेंगे कि हमारा ये टूल ही लेना और फिर लास्ट में अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये हमारा लॉक रिंग कंप्लीट और ये हमारा लॉक रिंग टूल सक्सेसफुल रहा है। ये हमारी लॉक रिंग हो चुकी है। लॉक रिंग के बीच में जरा से भी गैप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लीकेज भी हो सकता है।